नमस्कार साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम। दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन सत्र 2020-22 में नामांकन के लिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। साथ ही साथ कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म का लिस्ट पीडीएफ भी जारी कर दिया गया है। आप सभी को बता दें कि 30,000 से अधिक अभ्यर्थियों का एप्लीकेशन फॉर्म को सीधा सीधा रद्द कर दिया गया है। अब जो है, जिन भी स्टूडेंट का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में त्रुटि है या फिर किसी भी तरह की गलती है, तो आप कैसे सुधार करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ किन वजह से इन 30,000 से अधिक अभ्यर्थियों का एप्लीकेशन फॉर्म रद्द कर दिया गया है, वो भी बताएंगे। तो वीडियो को आप सभी कंप्लीट जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो निश्चित रूप से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए साथी है, नए मेहमान है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो अभी से लेकर के आप सभी के एडमिशन से लेकर के फाइनल एग्जाम तक आप सभी को मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो निश्चित रूप से आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिए और टाइम टू टाइम आप सभी अपडेट रहिए। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपना कोई भी गूगल ब्राउजर को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए बिहार डीएलएड मेरिट लिस्ट 2020। यहाँ पर इस तरह से आपको सर्च करना है, या नहीं तो डायरेक्ट आप कोसी स्टडी सर्च करेंगे तो नीचे में देखेंगे कि आप सभी को कोसी स्टडी वेबसाइट का लिंक मिलेगा, बिहार डीएलएड मेरिट लिस्ट 2020। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, तो चेक कर लेना है कोसी स्टडी का है या नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। सारी जानकारी आप सभी को यहां पर एक साथ मिल जाएगी। देखेंगे कि डीएलएड में नामांकन के लिए 30,000 से अधिक आवेदन को रद्द कर दिया गया है। यह जो है बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। अब इन सभी स्टूडेंट का आवेदन क्यों रद्द हुआ है, तो वो जान लीजिए कि आवेदन शुल्क इसका जमा नहीं किया गया था, इस वजह से इनका आवेदन रद्द कर दिया गया है। अगर आपका इस लिस्ट में नाम आता है तो आगे आपको क्या करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है शेड्यूल दिया गया है, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी कॉलेज का लिंक भी दिया गया है। तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, साथ ही साथ मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सामने सामने क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम जो है मुजफ्फरपुर के प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करके दिखाते हैं कि आपको क्या क्या चेक करना है और कैसे सुधार करना है गलती है। तो चलिए साइंस का पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद इस तरह से कुछ ओपन होगा, तो यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर, आप अपना स्ट्रीम, एप्लीकेंट का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, ये सारा कुछ आपको कैटेगरी चेक कर लेना है। अगर मान लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपका हो गया बीसी कैटेगरी, तो यहाँ पर क्या होगा कि काउंसलिंग में आपको बहुत ज़्यादा समस्या आएगी, या कह सकते हैं कि काउंसलिंग होगा ही नहीं। इसलिए आपको यहाँ पर एक एक डिटेल आप सभी को बारीकी से चेक कर लेना है। कहीं पर अभी अगर त्रुटि है, कहीं पर भी अगर आपका त्रुटि है, तो आप आपत्ति लगा करके 20 जनवरी तक सुधार कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरे नाम में या फिर कह सकते हैं कैटेगरी में गलती है, तो आप उसे सुधार कैसे करेंगे और क्या क्या ऐसी गलती है जिसको आप सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि जिनका भी एप्लीकेशन फॉर्म रद्द किया गया है, तो कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आपका पीडीएफ कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पर आप सभी को दिखाई देगा कि लिस्ट ऑफ कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो जिनका भी कैंसिल हो गया है एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका वजह क्या है, तो पेमेंट स्टेटस फेल्ड, या फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो और भी वजह आप सभी को मिल जाएगी कि इंटर परसेंटेज मार्क लोअर देन एलिजिबिलिटी, मतलब कि यहाँ पर देखेंगे कि 48% ही नंबर है इसका इंटर में, जो कि कम से कम 50% होनी चाहिए, तो इसलिए इसका फॉर्म रद्द किया गया है। तो ऐसे फॉर्म को सुधारा नहीं जा सकता है। साथ ही साथ जिसका पेमेंट स्टेटस फेल्योर हो गया है, वो भी अपने फॉर्म को सुधार नहीं सकते हैं। सुधार कौन सकते हैं, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं पर गलती हो गया है, तो आप उसे सुधार सकते हैं। 20 जनवरी तक आपत्ति आप सभी ऑनलाइन ही देंगे, उसके लिए आप सिंपली इस क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे आपत्ति देने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि आप क्या क्या सुधार सकते हैं। तो ऑनलाइन आपत्ति 20 जनवरी तक लिया जाएगा, तो क्या क्या बिंदु है जिसको आप सुधार सकते हैं, तो आपका नाम, आपके पिता का नाम, जन्मतिथि, मेल फीमेल जेंडर में अगर गलती हो गया है तो आप इसे सुधार सकते हैं। साथ ही साथ
कैटेगरी यानी कि आरक्षण से संबंधित रिजर्वेशन कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट अपलोड करने में अगर आप गलती किए हैं तो आप इसे सुधार सकते हैं। साथ ही साथ दिव्यांग कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं अगर इस सर्टिफिकेट में कुछ गलती किए हैं तो आप इसे सुधार सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट साइंस के हैं लेकिन वो आर्ट्स रख लिए हैं तो आप इसे सुधार सकते हैं। साथ ही साथ मैट्रिक और इंटर के अंक को डालने में भरने में गलती कर दिए हैं तो आप इसे सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जैसे कि आपका मान लेते हैं पीजी है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लेकिन आप ग्रेजुएशन तक का ही मार्क डाले हैं तो आप इसको भी सुधार सकते हैं। अब यहाँ पर सुधारने के लिए क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन आपत्ति पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा तो यहाँ पर इस स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए। पहले तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और यहीं से पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना है सुधार करने के लिए। इसके बाद जो आप ऑनलाइन आवेदन किए थे तो उसका पहला पेज जो आपको रिसीविंग मिला था उसका पहला पेज एप्लीकेशन फॉर्म का 200 केवी के अंदर में यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे कि मार्कशीट अपलोड किए थे उसी तरह से यहाँ पर अपलोड करना है। तो कृपया ऑनलाइन आवेदन का प्रथम पेज आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि चॉइस सब्जेक्ट ऑफ आपत्ति, आपत्ति के लिए आप क्या जो है मतलब सब्जेक्ट चॉइस करना चाहते हैं, मतलब कि किसको आप सुधार करना चाहते हैं, नाम में सुधार, पिता के नाम में, या डेट ऑफ बर्थ, या फिर जेंडर। बहुत सारे स्टूडेंट का एक से अधिक गलती है तो वो कैसे करेंगे, मान लेते हैं एक बार नाम सुधार कर लिए, उसके बाद इसको जैसे ही हम सबमिट करेंगे यहाँ पर सबमिट करेंगे तो दूसरे बार हम क्या करेंगे डेट ऑफ बर्थ को सुधार लेंगे। कुछ इस तरह से आप सभी ट्राई कीजिए, अगर दो बार सुधार का ऑप्शन देता है तो आप सभी यहाँ पर सुधार सकते हैं। इसके बाद अगर मान लेते हैं कि आपका नाम गलती है, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं हमने आवेदक का नाम सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका करेक्ट नाम क्या है। गलत नाम तो जो सबमिट कर दिए हैं वही है लेकिन सही नाम क्या है वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद ईमेल आईडी ज़रूर यहाँ पर डालिए जिससे कि आपको आपके ईमेल आईडी पर आप सभी का पीडीएफ यानी कि रिसीविंग आप सभी को मिल जाए। तो निश्चित रूप से आप सभी यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे जो चालू है। इसके बाद मोबाइल नंबर, इसके बाद व्हाट्सएप नंबर, इसके बाद यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। साथ ही साथ यहाँ पर अपना सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे 200 केबी के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इस कैप्चा कोड को फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक बार रिव्यू कर लेना है, चेक कर लेना है कि जो आपने डिटेल भरा है वो सारा डिटेल यहाँ पर सही है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे आप बैक आ जाएंगे। बैक आने के पश्चात आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपके ईमेल आईडी पर क्या हो जाएगा, इसका पीडीएफ चला जाएगा, उसके बाद आपको रिसिप्ट मिल जाएगा। तो वही रिसिप्ट आप सभी को संभाल करके रखना है या फिर प्रिंट भी कर लेना है। मान लेते हैं कि दूसरा टाइम में आप सभी को जो है दूसरा चीज़ आपको सुधार करना है। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि हम जो है जन्मतिथि में गलती कर दिए हैं, तो जैसे ही यहाँ पर जन्मतिथि सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आपका सही जन्मतिथि क्या है। तो पहले डेट ऑफ डेट डालना है, उसके बाद मंथ डालना है, उसके बाद ईयर डालना है। इस तरह से आपको डाल करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, या नहीं तो आप कैलेंडर का ही उपयोग कीजिए। कैलेंडर का उपयोग कीजिएगा तो यहाँ पर आपसे गलती नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी जरूर डालेंगे, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, और इसी ईमेल आईडी पर जो है आप सभी को इसका रिसीविंग भी जाएगा। तो निश्चित रूप से आप सभी ईमेल आईडी डालेंगे, साथ ही साथ सिग्नेचर और वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आप क्या करेंगे एक बार चेक कर लेंगे रिव्यू पर, उसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आपके ईमेल आईडी पर रिसीविंग भी चला जाएगा और यहां से भी आप प्रिंट कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से आप सभी जो है 20 जनवरी तक सुधार कर लेंगे। साथ ही साथ आप सभी kosistudy.com वेबसाइट पर विजिट करते रहिए। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी के लिए इतना ज़्यादा कंटेंट तैयार करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस लिंक को कोसी स्टडी आपके लिए हमेशा से जानकारी उपलब्ध कराती आई है और बिल्कुल फ्री कंटेंट आप सभी को दी जा रही है कोसी स्टडी के माध्यम से। चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, चाहे फिर आपका क्लास भी चलता है तो वो भी आपका बिल्कुल फ्री चलता है। निश्चित रूप से आप सभी इसे शेयर कीजिए। और जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं तो आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम भी होता है, तो उसमें भी आप सभी को बिल्कुल नोट्स जो है बिल्कुल
फ्री आप सभी को उपलब्ध कराया जाता है। तो कोसी स्टडी के इसी वेबसाइट से आप सभी फ्री मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी कोसी स्टडी को सपोर्ट कीजिए। और जैसे ही गूगल में आते हैं तो गूगल में आपको यहाँ पर सर्च करना है बिहार डीएलएड मैरिट लिस्ट 2020। देखेंगे कि बिहार डीएलएड मैरिट लिस्ट 2020 ऐसे सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि कोसी स्टडी का वेबसाइट कहाँ पर आ रहा है। तो आप देखेंगे कि 2 नंबर पे कोसी स्टडी का वेबसाइट आ रहा है। तो सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर आ जाएंगे, या नहीं तो डायरेक्ट भी आप कोसी स्टडी को सर्च करेंगे तो आ जाएंगे। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का PDF मटेरियल डाउनलोड करना है तो सिंपली आप इस कोसी स्टडी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि एक मेन्यू का बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक सेक्शन बना हुआ है ऑल एग्ज़ाम PDF फाइल डाउनलोड का। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे कि आप सभी को DLED इंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित PDF भी यहाँ पर लिंक मिल रहा है। साथ ही साथ नीचे आएंगे तो बिहार DLED फेस टू फेस एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का आप सभी को PDF नोट्स भी यहाँ पर मिल रहा है। तो फर्स्ट ईयर का सभी सब्जेक्ट का PDF फाइल यहां पर अपलोड है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर भी आप सभी को यहां पर मिल रहा है। तो आप सभी को अभी से लेकर के जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, फाइनल रूप से आप क्लियर नहीं कर लेते हैं DLED, तब तक आपके साथ ये कोसी स्टडी रहेगा। तो आप सभी निश्चित रूप से सपोर्ट कीजिए, आपके लिए हमेशा कोसी स्टडी तैयार रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि एक सब्सक्राइब का बटन है कोसी स्टडी पर। इस सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जब भी यहां पर कोई अपडेट आएगी तो आप तक एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।